वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 अगस्त 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमां न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमो नमः। सर्वे नमो नमः। ये मानव शरीर है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मानव शरीर की महिमा है। वो महिमा किस बात को लेकर के है, इसमें बहुत बड़ा हम लाभ ले सकते हैं, उस बात को लेकर है। वो लाभ लेते हैं जीवी से,
विवेक है मुख्य, उस विवेक से हम लाभ से विवेक का सदुपयोग किया जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है, और विवेक का दुरुपयोग किया जाए तो परिहानी होती है। तो विवेक क्या करता करता सार आसार इन दोनों को जानने का नाम विवेक है। सार क्या है, असार क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमारा लाभ किसमें है, हानि किसमें है, इन दोनों का जो विचार किया जाए उसका नाम विवेक है। तो विवेक की बहुत बड़ी भारी महिमा है। उस विवेक का सदुपयोग करने के लिए ही मानव शरीर मिला है, और शरीरों में ऐसी योग्यता नहीं है। देवताओं के शरीर बड़े दिव्य होते हैं, विलक्षण होते हैं, हम लोगों की अपेक्षा बहुत वे पवित्र शुद्ध होते हैं शरीर। हम लोगों की तो इस शरीर की तो गंध आती है, देवताओं को दुर्गंध आती है, जैसे मैला भरा हुआ सुअर हो उसकी दुर्गंधी आती हो, ऐसे हमारे इन शरीरों में उनको दुर्गंध आती, ऐसा दिव्य उनका शरीर होता है। परंतु वो शरीर कल्याण के लिए तो उपयोगी नहीं होता, कल्याण के लिए ये शरीर उपयोगी है। इस शरीर में भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। लोगों ने धन को तो संपत्ति माना है, पर धन से बढ़कर एक संपत्ति हम लोगों के पास में है, एक बड़ा भारी धन है, विलक्षण धन है, वो है हमारा जीवन का समय, हमारी जो उम्र है, जीने का समय मिला है, ये बहुत कीमती है। इस समय से हम सबसे ज्यादा लाभ ले सकते, धन कमा सकते, मान बड़े कमा सकते, समय दे करके एक 250 आदमी हो जाते हैं, इतना कुटुंब बन सकता है, विद्वान बन सकते हैं, संसार में यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारत बना सकते हैं। परंतु वास्तव में समय का उपयोग होना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। इस तरफ ख्याल कम है, धन को कमाना और उनको भोगों में लगा देना और संग्रह करना, इन दो में लोग लगे हुए हैं विशेषता से। ऐसा आदमी भोग भोगना और संग्रह करना, धन संग्रह से काम नहीं आता है, उसे एक नाम होता है, उसे पतन होता है, एक अभिमान पैदा होता है, और समय का सदुपयोग करने से सारी चीजें सब मिलती है, यही नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस मानव शरीर का समय अगर बहुत प्राप्ति में लगाया जाए तो तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवान की भक्ति हो जाती है, भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, भगवान का दुर्लभ प्रेम प्राप्त हो सकता है। इस समय के लगा दे, और समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाए तो फिर कुछ लेने का है नहीं। धन है अपने पास में, रुपए पैसे उनको तो आप तिजोरी में बंद करके भी रख सकते हैं, इस धन को रख नहीं सकते, ये तो खर्च हो ही रहा। आप जाने न जाने, काम अच्छा करे मंदा करे कुछ भी करे, परंतु मौत निरंतर आ रही है, समय खर्च हो रहा है निरंतर, और समय पूरा खर्च होने पर फिर जी नहीं सकेंगे। हम जी रहे हैं केवल समय के आधार पर, ये श्वास जितने हैं, घड़ी में जैसे चाबी भरी हुई होती है, उस बैटरी की ताकत से वो चलती है, वो खर्च हो जाती है तो बदल देते हो, पर ये खादों को चार्ज नहीं कर सकते, किसी ये खत्म होने पर मरना ही पड़ता है, और कोई उपाय नहीं, और कोई अपने पास चारा नहीं है,
ये समय खर्च होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा तत्काल। वो समय हमारा जा रहा है, पता नहीं वो समय कब खत्म हो जाए। छोटी छोटी अवस्था में मनुष्य चलता है, बड़ी अवस्था में चला जाता है। निरोग रहने वाला मर जाता है और रोगी आदमी बच जाता है, मैंने देखा। तो इसका रोग का निरोग का पता नहीं, शरीर सबल है निर्बल है इसका पता नहीं, ये छोटा है जवान है और ये बूढ़ा है इसको पता नहीं। जब ये पेट में आता है तब से 100 वर्ष तक हरेक वर्ष हरेक महीना हरेक दिन हरेक घंटा मौत के लिए खुला है, पेट में से ही गिर जाता है, जब उसे पहले ही गिर जाता है, जन्म लेते मर जाता है। एक दो दिन का महीनों का वर्षों का कोई ऐसा नहीं कि कम से कम इस वर्ष में मरना नहीं होगा, ऐसा नहीं। संसार में आप काम करते हो उसमें दिन आता है छुट्टी का भी, आज रविवार एक काम नहीं करेंगे, छुट्टी का दिन होता है जैसे कोई दिन नहीं, सब दिन मौत हर दिन तैयार। ऐसा नहीं आज दिन तो रविवार आ गया कोई मरेगा ना, मावशी आ गया पूर्णिमा आ गया कोई नक्षत्र आ गया कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मरने का समय है सबसे खुला है और मरना सभी को बुरा लगता है, किसी को मरना अच्छा भी लगता है, परंतु ख्याल नहीं करते हैं कि मौत तो नजीक आ रही है। बहम है कि हम जी रहे हैं, हमारे को इतने वर्ष आ गए हम जी गए, जी नहीं गए इतने वर्ष खत्म हो गए, जीना था उनमें से वर्ष खत्म हो गए और वो वर्ष बाकी रहे वो खत्म होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा, फिर कोई हमारे पास इलाज नहीं है। इस वास्ते सब समय में सर्वे सुखाले सुखाम, सब समय में भगवान को स्मरण करो, तब ये समय सार्थक होगा। ये तो समय का क्या फायदा, अच्छा बढ़िया समय मिला और तो चला जाएगा खाली। सर्वे सुखाले सुमा मनो, सब समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध चाहे का काम भी करो, धंधा करो, कोई भगवान के लिए स्मरण को याद करो। अच्छा स्मृति मात्र भगवान की स्मरण मात्र करने से जब संसार बंधन आदमी, केवल याद मात्र करने से सर्वोपरि परमात्मा है वो केवल याद करने से प्राप्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है, शंभु श्वेता भगवान शंकर के मदार के फूल चंद्रमा उदय होता है उस समय में एक कपड़े का तंतु छह खुश हो जाए, संत महात्मा है उनको नमस्कार कर लो खुश हो जाए, और भगवान के लिए ना तंतु चढ़ाना है फूल चढ़ाना है नमस्कार स्मृति मान याद कर लो बढ़िया काम हो जाएगा। अच्छा तो स्मृति बात है, इतने सस्ते है परमात्मा, अब उस स्मरण करने में कोई जोर नहीं आता, कोई पसीना नहीं आता, परिश्रम नहीं पड़ता, पैसे नहीं लगते, कोई विद्या की जरूरत नहीं पड़ती, केवल याद, केवल याद करने मात्र से कल्याण हो जाए। वो समय आपको और हमारे को अभी मिला हुआ है, अब ये समय जितना बाकी बचा है भगवान ने देखा, ये जितना खर्च हो गया इसको तो पता है 20 वर्ष 25 30 40 50 वर्ष हमारे आगे, इतने तो उम्र में से कम हो गए, ये कम होता चाहे जी रहे कहते हैं झूठी बात है, मर रहे जितने वर्ष आ गए तो मर गए, इसमें संदेह नहीं। जी रहे में उतने वर्ष तो कम हो ही गए, मौत उतनी नजदीक आ ही गई, मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब उम्र नहीं है, थोड़े मिनटों में उम्र से भी छोटे छोटे बच्चा और बूढ़े से बूढ़ी कोई भाई हो बहन हो उनका भी समय खर्च हो गया है, मौत नजीक आ रही है, ऐसे निरंतर मौत नजीक आ रही है।
यावत स्वस्थ बेदन करे पर यावत से दूर है जरा, जब तक सही ठीक है वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, बैठ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, आयु समाप्त नहीं हो गई है, तब से पहले पहले भगवान को याद कर लो। ये तो प्रोदीप्ते भवने ईश्वर, जब आग लग जाएगी अब कुआं बनाओ भाई, कुएं से जल लाओ, आग बुझाएंगे, ऐसे जब मृत्यु आ जाएगी उस समय करोगे काम नहीं चलेगा। पहले से कह दिया होगा ठीक है, तो सर्वेश कालेश्वर महा मनुष्य सब समय में भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो, और जब कहते हुए सज्जनों खास बात है, पितृ मन से कह हे नाथ बोलू नहीं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, सब कर्म आ गई एक फल राम चरण रखी हो, सबका फल एक राम चरण रखी हो, तिनके मन मंदिर बसऊ श्री रंग, उस हृदय में आप विश्वास करते हैं, सब कर्म ही हे नाथ भूल, भूले नाही बने दयाल के, भूले नाही बने, भूल गए तो गजब हो जाएगा, इस वास्ते सब समय में भगवान की याद रखो, तो ये समय सार्थक हो जाएगा, अभी तो समय तो चला जाएगा, आप स्मरण नहीं करोगे तो वो समय बचेगा नहीं, कितनी जगह किसी का करोगे समय तो खत्म हो, और वो निरंतर खत्म हो रहा है, आप काम करो तो न करो तो भजन करो तो संसार या निंदा करो तो कुछ भी करो न करो सो जाओ तो उम्र तो खर्च हो ही रही है, वो दिन जीने के दिन है वो तो खर्च हो रहे, और वो खर्च होने पर भरना पड़ेगा, भाई सावधान रहो, संत लोग कहते हैं सावधानी ही साधना है, हरदम दिल में जागृत रहो, सावधान रहो कि समय बर्बाद न हो जाए, ये ख्याल करना है कि और समय चूक पूरी का पछता है, समय चला गया फिर पछताता है, क्या हो कहा वर्षा जब किसी सुख है, खेती सूख जाके वर्षा से क्या है, तो समय चूकने पर कुछ बात नहीं आता, इस वास्ते आप लोगों से कहना है ये सबसे पहली बात, हर समय भगवान को याद रखो, नाम जप करो, जो आपका इष्ट है राम 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 हरे कृष्ण गोविंद हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे, जो आपका इष्ट है, जिस नाम के आप प्रेम है, जिस नाम की दीक्षा मिली है, जिसमें आपका प्यार है, उसी नाम भगवान के नामों में कोई फर्क नहीं है, यदि भी रामायण में लिखा है कि राम सकल नाम तेरा जीगा, नाथ अग खबरिका, सब नामों में राम नाम श्रेष्ठ हो जाए, नारद जी ने भगवान श्री राम जी से वरदान मांगा, तो सुमेर तो सुलभ है सुखद सबका हूँ राम 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 सुमेर सुलभ, अरे सुखद सबका हूँ सुखद सबको सुख देने वाला, भाई वो बहन वो किसी वर्ग का हो, किसी जात भलो गुजर भलो भाई भलो वही तुलसी रघुवर नाव में सबका ओंशी सबका खुलता है, जैसे अपने बाप की संपत्ति पर बिना अधिकार दिए स्वतः पुत्र का जन्मजात अधिकार है, ऐसे भगवान का भजन करने का सबको जन्मजात अधिकार, आप शुद्ध हो अशुद्ध हो अपवित्र हो अपवित्र हो भगवान का नाम, संध्या गायत्री आदि के लिए पवित्र होकर संध्या करके गायत्री जप सकते हैं, बिना पवित्र हो गायत्री न जप सकते, तो भगवान का नाम हर समय। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं महाराज कलयुग से उद्धार कैसे हो, कल संतों की संगत कथा आती को भाई भगवान के नाम से, भगवान नाम को संत हरे राम 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 हरे कृष्ण के नाम लगाया, सोलह सो ये सोलह नाम आपका एक मंत्र है, महाराज कोई से विधि थी महाराज इसी विधि क्या है, तो विधि ब्रह्मा जी के नाश से विधि किसी विधि नहीं है, शुद्ध हो अशुद्ध हो सुबह हो शाम हो रात हो दिन हो,
कैसी अवस्था में आओगे अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम ले, ये बहम रह जाएगा कि अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम ले तो मुश्किल हो जाएगी। बीमारी की अवस्था में शुद्धि नहीं रहती और पाय करके आदमी बीमार होकर मरता है, तो उस अशुद्धि में नहीं लेंगे ऐसे हो तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। भगवान का नाम लूंगा सर्वावस्था में जाएगी सुशी, वो बाहर और भीतर शुद्ध हो जाता है। भगवान का स्मरण करते ही, भगवान के याद करते ही पवित्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो भगवान को याद करो, भगवान का नाम है, चलते फिरते उठते उठते ही बैठते गए जागते ही गए सोए हरिया दिन घटना मेरी कबू प्रगट हो भगवान प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। तो हर समय आप याद करो, सबका सब समय सार्थक हो जाए। घर का धंधा भी करो, काम करो, नाम जपते हुए हाथ काम अमुख राम है हृदय साची प्रीत। हाथ से काम धंधा करो, मुख से भगवान का नाम लो और हृदय सच्चा प्रेम भगवान से हो, संसार से नहीं। दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम ही गृहस्थी संत है वो गृहस्थ में तो हाथ काम मुख राम है राम 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 राम। नाम जपते हुए काम करो, काम करते हुए भी नाम जप करो। जप की मुख्य याद रखो, काम में फूल हो जाए तो इतनी गलती नहीं, पर नाम में गलती होगी तो बड़ी भारी हानि। सहानी तद महत छिद्रम सांग जड़ मुहूर्त का ज्ञान मुहूर्त क्षण वासुदेव न चिंतनी। वो बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है, बड़ी मूर्खता है, अंधापना है, जिस क्षण में भगवान का चिंतन न हो। भगवान का चिंतन हुआ समय हमारा सार्थक हो जाए। तो सर्वेशु बारेशु सब समय माँ मनुस्मर युद्ध से युद्ध हर समय नहीं होता, काम धंधा हर समय नहीं होता। भगवान का भजन हर दम कया छोड़ो मत। हमने बहुत पुरानी एक संत की चिट्ठी पढ़ी थी अपने भगत को लिखी उन्होंने, उसमें कहा कि एक नाम जपे इतना समय भी अगर खाली जाए तो दुख होना चाहिए जैसे बड़ा लड़का ब्याह हुआ मर जाए, इतना दुख होना चाहिए। लड़के तो छोटे हैं, वो फिर बड़े हो जाएंगे, उनमें ब्याह हो जाएगा, पर समय पास नहीं आएगा। गया वक्त नहीं आवे दूजी भाइया, अभी हम आ गए बैठे ये समय पीछे नहीं आएगा, उम्र भर नहीं आएगा, ये तो खत्म हो गया, हो गया हो ही गया, ये बार बार नहीं आएगा, ये अवस्था ये सगत नहीं हो। तो सर्वेशु कालेषु मां भव, सब समय में मेरा स्मरण करो, तो भगवान की याद रखो निरंतर। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। ये मन से कहते रहो, नाम लेते रहो और ये कहते रहो कि नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ। सब कर मांग एक फल राम चरती हूँ, भगवान के चरणों में रीति हो जाए, प्रीति हो जाए, सब दान पूरी तीर्थ व्रत आदि कर लो, उसका फल एक ही भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए। ये हरदम याद रखो, ऐसी समान कोई लाभ नहीं है और समय खाली चला जाए इसके समान कोई हानि नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। कल के ये समय जो उम्र का है वो तो जा रहा है, आज बीत गया तो उम्र में इतना तो खर्च हो गया, ये पेशावर नहीं। अभी हमारे वो समय हो गया थोड़ा सा, तो मिनट हो गए 30 मिनट ही, 24 मिनट ये समय तो चल जाएगा, नाश वही दिन चल रहा है, ये समय नहीं आएगा तो खाली समय जाएगा, वो हानि होगी, इसी पूर्ति नहीं होगी। अगर आज तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, तो भी जो खाली समय जाए उसकी पूर्ति नहीं होती,
कैसे इतनी समय खाली ना पहले प्राप्ति होती नहीं शुरू हो गई खाली से खाली में जो भगवान की प्राप्ति हो जाती तो इतना दुर्लभ है मानव शरीर है तो ये हरदम याद रखे पुकारते रहे हरदम हे नाथ मैं भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं भगवान से प्रार्थना करो दान पुण्य तीर्थ व्रत गंगा स्नान आदि करो सबका फल ये है कि मैं भगवान को भूलू नहीं भगवान से ही प्रार्थना करो वे दाता को भूलू नहीं कितना काम बढ़िया होता है एक ही बात खास आज दिन का ये सत्संग आपका सफल हो जाएगा आज एक दिन से ये बात मान ले कि सब समय में भगवान का स्मरण करना है अब भूल गए तो राम 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 गरीब हो गए इतना समय खाली चला गया अब सावधान रहो अब समय खाली नहीं जाएगा अब ना नशा नहीं अब ना नशे ही हो आज नाश बस हुआ अब अपना समय नाश नहीं करेंगे ऐसी सावधानी के साथ नाम जपने लग जाओ सब समय साथ हो जाएगा जैसे हम लोटा डाल के और वो भीतर चला गया और डोरी हाथ में रह गई तो दर भर कर खेल रहे थे पानी पीने और वो हाथ से छूट गया कितने से हाथ से छूटी इतनी सी नीचे मिल जाएगा पानी के ऊपर पानी के नीचे मिल जाएगा ऐसे जितना समय खाली जाए वो तो पूरी खाली खाली घूम जाए वो तो डूबेगा और इतनी सी हाथ में रह जाएगी ऐसे 24 घंटा में आपका समय जितना जाए घर के काम धंधे रूपी कुएं में और तो थोड़ा गया अगले जा भगवान को हो जाएगा जल आ जाएगा निहाल हो जाएगी तो सब समय में भगवान को याद करगा ये खास बात और समय है वो साधन ये समय रूपी धन है ये आलस में नींद में ज्यादा नींद की तो ये चोरी हो गई चोरी धन की चोरी हो जाती है और आलस क्या फिर करेंगे बैठे करें और आलस क्या ये छग है आलस को छग छग ना भी छग गया और जो ब्याह शादी आदि काम धंधे में कि एक घर खर्चे में खर्च हो गया समय घर खर्चे तो समय बड़ा बढ़िया वो खर्च खर्चा हो गया चोरी में चला गया डकैती में चला गया और पाप करने में अन्याय करने में झूठ कपट में समय लगाया ये डाका पड़ गया डाका में धर जाता है मार नहीं पड़ती पूरे दशरों में लग गया तो एक नई मार और पड़ेगी समय खर्च किया जब झूठ कपट में बेईमानी में ठगी में धोखेबाजी में विश्वासघात में समय किया खर्च तो समय का बड़ा भाई ध्यान नहीं है तो खर्च तो हुआ है जिस समय से भगवान मिल जाए वो और दंड मिलेगा उसका जंगल की यहाँ तो उसे धरेंगे मार जूते से विश्वास देश समय खाली कर जाएगा सावधान दिल में जागृत ही है बंदा हरदम सावधान है समय खाली हो जाए भगवान को याद किए और भगवान से कहो सबसे यही मांगो सब घर मांगे यही राम से तीर्थ व्रत आदि से यही मांगे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए भगवान को भूलू नहीं हे नाथ मैं भगवान को भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं एक भगवान की याद करने मात्र से सब काम ठीक हो जाए समय सबका सब साथ मिल जाएगा अरे तो समय चला जाएगा शरीर ये ठहरेगा नहीं ये तो खर्च हो ही रहा है अरे पछताए अब पछताए क्या हुआ चिड़िया तो गई खेत काल चिड़ैया चुग रही निश्चित आयु खेत आपका आयु रूपी खेत है वो काल रूपी चिड़िया तो गई कहाँ ये दिन बीत गया इतना समय आपका खर्च हो गया मौत आ गई नजीब जितना समय खर्च होता मौत नजीब आती है हमारे जीने में अगर देरी है तो जीने का उम्र हमारी बाकी है श्वास हमारे बाकी है इसे जी रहे आप बल से नहीं धन से नहीं जी रहे हैं
विद्या से योग्यता से नहीं जी रहे है, जी रहे उम्र के बगैर, और वो उम्र प्रतिक्षण खर्च हो रही है, निरंतर खर्च हो रही है। इस बात से जैसे लग जाओ सजर, आज दिन तक का समय गया शुरू हो गया, अब न जाएगा, अब जितना समय रह गया है केवल भगवान की नजरी में लगे, दूसरा उपकार करने में सेवा करने, दो काम खास है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवान को याद करना और तन मन धन फसल से दूसरों का हित करना, संग्रह करना, भोग भोगना, इसमें समय बर्बाद होता है, आदत खराब होती है और पाप होता है, अन्याय होता है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। विश्वास के सावधान रहो, भगवान का नाम लो, दूसरों का हित करो, घर में पड़े कूड़े है, अंगहीन है, अपाहिज है, निर्धन है, निर्बल है, उनकी सेवा, वो भगवान सेवा मांग रहे हैं, साक्षात भगवान की सेवा, यह सेवा भगवान की प्राप्ति का हेतु है, कारण। विश्वास के दो काम, भगवान को याद रखना और संसारी सेवा, भगवान को तो याद रखना है, संसारी सेवा करने, ये दो काम हो। सब मनुष्य पर है, सेवा ही नहीं करता है, भगवान को याद नहीं करता तो मनुष्य पर नहीं है। पशुओं की तरह खादते मोदते नित्य सुने का शुरू करा, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, ये भी खाते हैं, तो ऐसे सब में समय हमारा चला जाएगा, कुत्ते और गधे की तरह। समय भगवान का स्मरण कर लिया, समय शांति हो जाएगा। इस वास्ते भाई से कहना है कि जितना आपके पास समय बचा है वो सब समय भगवान में लग जाएगा, भगवान का स्मरण होने लग जाएगा, फिर मौज हो जाएगा। मृत्यु समय में आपके लिए काम नहीं आएगा, आप रात दिन काम करने लगे रहे, रुपये कमाए, मकान बना लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल दी, अंत समय में हाय कुछ नहीं किया, वक्त नहीं मिलता, 5 मिनट भी आपको इतना समय लगा पर उस समय के हाय कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया भक्ति होगा समझा, जितना भजन कर दिया वो पूरी आपके साथ हो, साथ में चलने का आदम, संसार का धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं और भजन किया हुआ कौड़ी एक पीछे जाएगा नहीं, असली धन है ये सज्जनों कमान, कैद नहीं होता, होश नहीं होता है, रुपये कमा रहे है, ख्याल नहीं है रुपये क्या कमा रहे, दूसरों को उपकार में लगाओ, बड़ी बड़ी है बड़ा थी नहीं तो ये बदू भगवान का भजन ये काम आएगा, जो समय जो बर्बाद होता है बड़ी भारी आ गई होती है, बड़ा भारी नुकसान होता है। इस बात के सर्वे सुखाल सुना भगवान का समान कौन हो जाते हैं सदगुरु, इसलिए सुबह को रूपा यह संसार है, यह संसार चलता रहता है, ये तो जाएगा कोई लाभ नहीं, घर सब छोड़कर मना पड़ेगा, कुटुंब सब छोड़कर मना पड़ेगा, और तो क्या ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, इसमें लोग उठाएंगे बारेंगे साथ में, ये भी नहीं चले उठा चलेगा साथ, इस वक्त समझदारी बात यही है, बस मनीषा से ऐसा बुद्धि बता बुद्धि मनीषा से बुद्धिमानी की बुद्धि यही है, समझदार की समझ यही है, सावधानी की सावधानी यही है, विद्वत्तारी विद्या यही है, भगवान को याद कर और दूसरों को उपकार करे, सेवा करे, अब आई है अंग रखी है अंगीन है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, असमर्थ हैं, उनको सुख पहुंचाओ, वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, वे भगवान साक्षात सेवा मांग रहे हैं, बूढ़े बड़ों की सेवा करनी साक्षात भगवान की सेवा करनी, अपने माता पिता दादा दादी जो है सास ससुर बूढ़े बड़े उनकी सेवा से भगवान राजी होते हैं, और भगवान का सास ससुर सेवा नहीं करते तो भगवान उसका विश्वास नहीं करते, अरे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा मेरा भजन कम करेगा इसका क्या भविष्य है, खास माँ बाप की सेवा नहीं करता तो भगवान उसका विश्वास नहीं, और बड़ों की सेवा करते भगवान की तो उम्मीद रखते है तो मेरा भी ये भजन करेगा मेरे को भी याद करेगा, तो ये बात है भाई, सब समय में भगवान को याद है,
बड़ी सावधानी से जितना समय बच गया है वो खाली रहता है, बड़ी तत्परता से उत्साह से। उत्साह आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है। हिम्मत मत छाड़ो मेरा मुख को कहता राम, हरिया हिम्मत हो गया तू बात सुनाओ। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, हिम्मत कर ली तो महाराज ध्रुव हो गया, हिम्मत करके चल। और ये एक बात विचित्र है, धन आपके जितना लिखा उतना ही मिलेगा, पर भगवान का भजन करोगे उतना हो जाएगा, ये नया काम है। धन तो जितना भाग मिला उतना ही। एक लोटा है, मील भर समुद्र में डाल दो निकले तो उसमें तो लोटा बहुत ही पहुंच जाएगा, उतना ही है उसका पेट। ऐसे संसार के भोग और संसार के रुपये अपमान आदि जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, और भजन ये नया काम है। तो नया काम में संसार लगना चाहिए, ये तो पुरानी बात है। इसके लिए भी उद्योग को समय अपना गृहस्थ में लगाओ, व्यापार में लगाओ, नौकरी में लगाओ, दलाली में लगाओ, किसी लोगों पाल में जो जो अपना काम है उसमें समय लगाओ, परंतु उस समय भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। उस समय करते हुए भी सर्वे सुखाले सुमाम सब काम करते हुए भगवान की याद करो, प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूलू, हे मेरे प्रभु मैं भूलू, हे नाथ मैं भूलू, भगवान से मांगो, ये मांग भगवान सब देते हैं, सब कुछ परमात्मा देते हैं, सबको देने के भगवान तैयार है। जिसमें भजन करो तो बड़ी बहुत विशेष बात, इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, समय खाली मत जा रहे दो, ये जो समय बाकी बचा है वो सब भगवान में लगाओ। ये भी समय निकल जाएगा, वो जो लोग पढ़ने में लगे विद्वान बन गए, खेलकूद में रहे नहीं बने, ऐसे जिन संत महात्मा ने भजन किया वे महात्मा संत हो गए नामी, और नहीं किया वे नहीं हुआ। ये करने की बात है, ये भाग्य की बात नहीं है। भाग्य धन संपत्ति देव भोग ये तो भाग्य की बात है, और भजन समय तो नई कमाई है, नया कमाना है, इसमें सावधान हो। धन के लिए आदमी सावधान रहता है पर भजन के लिए सावधान नहीं करता, ये सोचता ही नहीं है। अरे ये असली काम, ये नया धन कमाना है, नया प्राप्त किया तो पुराना धन है हमारे को मिलने वाला उद्योग को मिल जाएगा, वो समान नहीं मिलता सबको, धन है बरोबर नहीं मिलता। अरे भगवान का भजन भगवान बरोबर मिलते हैं, ऐसे नहीं कि ब्राह्मण को भगवान कोई बढ़िया मिलता हो और शुद्ध को घटिया मिलते हो, पुरुषों को बढ़िया भगवान ने देखिए वो कमजोर मिल जाए, भाई होता है धन भगवान ही मिलते, पूरे के पूरे भगवान मिलते, पूरा का पूरा भगवान पर अधिकार हमारा। जैसे जिस बालक है, जिस माँ के 8-10 बालक है, तो 10 बालक होने से ऐसा नहीं कि माँ का 10वां हिस्सा हमारा है, माँ पूरी की मुझों की, 10 बालक है 10 की माँ पूरी की, ऐसे 10वां हिस्सा माँ का है। ऐसे भगवान पूरे के पूरे, अपट होते उसके पूरे, पढ़े होते उसके पूरे, स्त्री होते उसके पूरे, निर्बल होते उसके पूरे, सबल होते उसके, भगवान पूरे के पूरे, पूर्ण मजा पूर्ण मेरम पूर्णाथ पूर्ण 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 जैसे पूर्ण से पूर्ण माला है पूर्ण, ऐसे भगवान है तो पूर्ण लाभ होता है, पूरा लाभ होता है, जिसमें कमी नहीं आती। इसे सचल जैसे भगवान में लग जाओ, ये खास काम करने का है। मनुष्य जन्म मिल गया है, दूसरे काम नहीं, दूसरे काम सब गौण है, ये खास काम है। इस बात के जितना समय मिला वो भगवान लगाओ, सच्चे देशे से जीवन लग लो, फिर बेटा पार इसमें संदेह नहीं। अब जितना समय बाकी बचा है वो समय लगा दो, जिसके हाथ में डोरी बची है या उधर आ जाएगा छुट्टी हो जाएगी, जितना बच गया गए वो तो गया, अगर भजन किया होगा तो अगर इंद्र सावस्ती नहीं रहती। पढ़ाई करता है तो वो पंडित बन जाता है, ऐसे भजन करता है तो वो भक्त बन जाता है, जितना भजन किया वो भक्त बन गया उनका, और नहीं किया वो ही करेगा। अब जो बचल है बाकी उसे लगाओ,
इसमें नफा ही नफा होगा। व्यापार में नफा नुकसान दोनों से नफा ही नफा है। लड़का जन्मता है तो ये जीवेगा कि नहीं जिया संदेह है, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा नहीं और संदेह है, हो नहीं हो, लड़के वाले हो गए कि नहीं हो भी या नहीं भी हो, और मरेगा कि नहीं, ये आवश्यक काम है। इसी तरह से भजन करने का आवश्यक काम है। करी श्यामी करी श्यामी करी श्यामी की चिंता, मरी श्यामी मरी श्यामी मरी श्यामी की चिंता, असली काम वो भूल गया, फिर करेगा फिर करे फिर करो भाई, फिर तो पश्चाताप होगा, सुबह खाली चलेगा, हाँ यार सुमारा हमारा बलवाद हो गया, ऐसे हुआ। इस वास्ते अब बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में लग जाओ, समय साथ मिलाओ, सेवा करो, ये दुखों की सेवा। आपके पास धन मिला है, बल मिला है, योग्यता मिली है, विद्या मिली है, इसके द्वारा दूसरों को सेवा करो। धन विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खरस, दूसरों विद्या होती है विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, अपने भोगों के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होगी दुष्ट की, और सज्जन को विद्या मिलती है तो अपने को ज्ञान प्राप्त करे औरों को भी ज्ञान हो जाए, और ताकत है लोगों रक्षा करेगा, और धन मिला तो उपकार करेगा, तो सज्जन पास में जो चीज मिली है उसका स्वरूप लोग हो गया। वो सज्जन तो आप अपने को भी नहीं, उम्र भर में नहीं हुआ, अब जो बचा हुआ समय है वो आप लगाओ ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये तो होगा ही, जो भजन कर लेगा उसको भजन हो जाएगा, कोई भी समय खाली चला जाता चले जाएगा। अब पछताएगा क्या हुआ, चिड़िया चूक गई खेत, फिर होने की क्या हो, समय चूक कोई कहा पछता नहीं कहा, वर्षा तो की सुखा, तो अब समय जितना बता है वो तत्परता से भगवान में लगा दो, सब ये सुखा ले सुखा। हे नाथ हे मेरे प्रभु, भगवान से प्रार्थना करो नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं आप भूलू नहीं, फिर भगवान की कृपा से हो जाएगी। भजन करने में भगवान सहायक है, संत महात्मा सहायक है, शास्त्र सहायक है, जितने भगत हो गए पहली बेर अबेर अगाड़ी हो गए सबके सब हमारे साथ में है, और संसार के भोगों को कोई साथ नहीं, घर वाले भी साथ नहीं रहेंगे, अजय सब साथ नहीं, चोर और डाकू होते हैं, और जंगल में कोई साधु भजन करता हुआ तो चोर डाकू की सेवा करती, भगवान के चरण में साथ करने में सब साथ हो जाते, सब सहायक हो जाते। निंदा करने वाले को कबीर जी कहते हैं, निंदक तू घर जावे सीधे जू पानी में लूण, कबीर कहे तो राम रुखालो निंद उठा रखो, कौन सुखा कर भी है काम, राम जी है जिसके पक्ष में राम जी है उसे कभी कुछ बात सब तक पूर्णता हो जाती है, तो भगवान के भजन में लग जाना ये बुद्धिमानी है, समय खो देना मूर्खता है, और दंड मिलेगा अगर पाप करोगे अन्याय करोगे दूसरों दुख दोगे विश्वासघात करोगे तो दंड करेगा। तो मनुष्य शरीर सदा के लिए मुक्ति देने के लिए में आया है, डंडा खाने के लिए नहीं, सबके लिए जाच भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उपाशीर, जैसे अपने बाप की जगह में जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे भजन करने का मनुष्य मात्र को पूरा अधिकार, हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम है, सब घर करता है, अपने हक की चीज क्यों छोड़ा, अपने हक की चीज है ये छोड़े नहीं, पूरी कमाई ज्ञान भी आएगा, सब समय साथ हो जाएगा। उम्र में अब भी अगर सावधान हुआ तो सब उम्र सार्थक हो, अभी तो निर्थक गई वो निर्थक चली जाएगी, पश्चाताप होगा, सो परत रूपा वही सिर धुनधुनी पछताए, काल कर्म है ईश्वर ही मिथ्या देश, काल को समय ऐसा ही है, कल युग का समय, कल युग का समय बहुत बढ़िया है,
कल जुग सब जुग आज नहीं, जो निर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवत बिना तैयार, ऐसा कोई। और कर्म के हमारे अच्छे कर्म नहीं थे, अच्छे तो बड़े भाग्य मानुष नहीं पावा, मनुष्य भी मिल गया, दादू भी अच्छा, सत्संग मिल गया और ईश्वर ने कृपा कर दिया है, तो काले कर्म में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। काम तो खुद नहीं करता, दोष ही पर लगाता है, ऐसे ही समय आ गया, शरीर बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा हो गई है, शरीर ठीक है, आज इंद्रियों की शक्ति है, पैर के भजन कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, घर में सबको सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सज्जनों ये सदा बल नहीं रहेगा, ये शक्ति नहीं रहेगी, बूढ़े हो जाएंगे फिर काम नहीं करेगा। हम तो देख रहे हैं अब सही काम नहीं दिखता, ये सब पहले देते तो काम नहीं दिखता, भाई मर गया तो खत्म है, जी गया तो बूढ़ा हो गया, काम फिर नहीं कर सकोगे जीने पर भी, मर गए तो क्या करोगे, सही का भरोसा नहीं। अगर ये ऐसा मौका मिलना पड़े मुश्किल है, इस वास्ते सोईनर चतुर है जो राम भजन लो, वो चतुर होशियार समझदार है जो भगवान के भजन में लगा है, पर धन पर मन हरण को बेशिया भी दूसरे का मन खींच ले और धन किया, इसे बेशिया भी कभी कभी होती है, और यही काम किया धन हर लिया और मन हर लिया तो बेशिया का काम किया, मनुष्य ही बेशा काम करने के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है, ऐसा उत्तम समय मिला है तो वो चला मिलना है, बड़ी सावधानी से करने लग जाओ, ये बात है। अब ये बातें आप जानते हो, कोई नई बात नहीं कहता हूँ, आप न जानते ये बात नहीं है, क्यों याद रहता हूँ, ये सब जानते हो, मरना हो जाएगा तत्काल नाम करेगा, एकदम अचानक मारे ही काल अचानक सफेद हुई हुए घड़ी के मैं राख की घेरी हो जाएगा, तो उससे पहले काम है राम मिलन लो, वो सत्य समझदार, नारायण 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 नारायण।